साहब को, कुरैशी साहब को जो है आप रगेदा जा रहा है, आप मुझे बताएं किसी बाहर के मुल्क में जरूरत होनी चाहिए कि हमें वो ये कह के इसको उतारो और उसको चढ़ाओ, ये उनका काम है, हमारा काम जरूरत में लाहौर जो है वो पेशावर से पीछे नहीं रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, अभी भी पकड़ दकड़ खैबर पख्तूनख्वा में भी जारी है, हमारे साबिका स्पीकर असद कैसर साहब जो है वो जेल में है अभी तक 3M खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन पूरा मर्दान और बिलखसूस पार्लियामेंट हाउस जानता है कि आदमी कितना ईमानदार है। गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसी जमात से अगर आप इंतखाबी निशान लेंगे तो आप एक जमात से इंतखाबी निशान नहीं ले रहे, आप इस पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम से उसकी डेमोक्रेटिक करेंसी, उसकी लेजिटिमेसी छीन रहे हैं और उस पर ऐसे चार्जेस लगाए करप्शन के, इंसान को कहते हुए शर्म आती है मुझे। आपने जिक्र किया वोटर लिस्टों का जिक्र होता है, जरदारी साहब ने उस दिन एक बात की कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने बहुत से अफगान शहरियों को वोटर लिस्टों में शामिल किया हुआ है KPK में, दीगर जगहों पर, क्या इस तरह की कोई सूरत हाल है ग्राउंड? शेर अफजल मुरव्वत को जिस तरह गिरफ्तार किया गया और जिस तरह अब तमाम जमातें इलेक्शन डिले कराने का इल्ज़ाम PTI पर लगा रही हैं, इस पर PTI के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान ने तमाम जमातों और इलेक्शन डिले करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन को ऐसा बेनकाब किया कि मज़ा आ गया। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं फिर इस पर बात करते हैं। अली साहब, हमने देखा कि हालिया दिनों में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ कन्वेंशन वगैरह भी हुए, अगर ये कहा जाए कि शायद पाकिस्तान का वाहिद वो एरिया है जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें मुतहरिक नजर आ रही है ग्राउंड के ऊपर, तो इसकी क्या वजह है? दूसरे सूबों में आप लोग क्यों नहीं इतने मुतहरिक नजर आ रहे जितने आप खैबर पख्तूनख्वा में नजर आ रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लम मुबारक अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे अल्लाह के करम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है और हर जगह मौजूद है, सिर्फ इतना फर्क है आपने चूंकि स्पेसिफिकली खैबर पख्तूनख्वा का पूछा और आज पंजाब में हमारे वकील शेर अफजल मुरव्वत साहब रहनुमा भी हैं तहरीक इंसाफ के, जिस तरह वो गिरफ्तार हुए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि पंजाब में लोग नहीं हैं या पंजाब में शायद क्रेज यहाँ से भी ज्यादा हो, लेकिन बहुत से हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं खैबर पख्तूनख्वा में वो किसी ना किसी सूरत में ग्राउंड्स पे मौजूद रहे। पंजाब में बदकिस्मती से कुछ लोग जो है वो जाने से गैप भी पैदा हुआ और क्रैक डाउन भी पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा की निस्बत जो है काफी ज्यादा हुआ है। अदरवाइज जैसे ही थोड़ा सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप देखेंगे जितना लाहौर में क्रेज है, मैं तो जाहिर है तो लाहौर का हमें पता है, तो किसी सूरत में लाहौर जो है वो पेशावर से पीछे नहीं रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा शेर अफजल मुरव्वत साहब का आपने जिक्र किया खैबर पख्तूनख्वा में वो काफी हमें मुतहरिक नजर आए, मुख्तलिफ जगहों पर नजर आए, आप हमें उनके साथ या आप और दीगर जो सीनियर लोग हैं जो जाने माने चेहरे हैं जिनको आवाम पहचानती है उस तरह सामने नजर नहीं आ रहे, उसकी कोई खास वजह है? पार्टी की कोई हिकमत अमली है? नहीं, एक तो कुछ केसेस वगैरह के इश्यूज भी हैं, इसलिए बहुत सी लीडरशिप हमारी जो है वो अभी इलेक्शन से पहले अपने आप को एक्स्ट्रा रिस्क में नहीं डालना चाहते कि ऐसा ना हो कि इलेक्शन के लिए फिर आपके पास आपके कैंडिडेट्स ही ना हो। और आपने देखा होगा कि अभी भी पकड़ दकड़ खैबर पख्तूनख्वा में भी जारी है, हमारे साबिका स्पीकर असद कैसर साहब जो हैं वो जेल में है अभी तक 3MPO में, और आज मुजाहिद खान साहब की रिलीज हुई है सदर मर्दान की, होपफुली उनको दोबारा अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उनको बड़े ही बूदे किस्म के चार्जेस में, पूरा खैबर पख्तूनख्वा लेकिन पूरा मर्दान और बिलखसूस पार्लियामेंट हाउस जानता है कि आदमी कितना ईमानदार है और उस पर ऐसे चार्जेस लगाए करप्शन के, इंसान को कहते हुए भी शर्म आती है मुझे, यानी कि ही इज बीन विद मी इन पार्लियामेंट सिंस 2013 से पार्लियामेंट में है, और जब अजान की आवाज आती थी वो खान साहब की मीटिंग और कौमी असेंबली का इजलास छोड़ के मस्जिद में होते थे और उसको ऐसे अजीब किस्म के चार्जेस, तो ऐसी सूरत हाल में फैसला ये किया गया कि मुरव्वत साहब को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली और लोकल लेवल पे हमारे जो MPA के कैंडिडेट या MLA के कैंडिडेट जिन पे उस तरह की सिचुएशन नहीं थी वो निकले, इंशाल्लाह पूरे मुल्क में हम निकलेंगे, थोड़ा इलेक्शन का शेड्यूल आ जाए, लेकिन अभी जो एक सूरत हाल और डिवेलप हुई है लाहौर में वो भी थोड़ी सी अब फिक्र अंगेज है कि ऐसा ना हो कि कोई भी बहाना बना के तो इलेक्शन को डिले करने की कोशिश की जाए। मैं यहाँ से जरूर इस बात की वजाहत करना चाहता हूँ, कल मेरे से पूछा गया और आप शायद ये सवाल करेंगी तो मैं मुनासिब होगा खुद ही उसका जवाब दे दूँ, कल मेरे से डॉन न्यूज पे भी सवाल हुआ और आपका भी अहम प्रोग्राम है इसमें मैं अर्ज करूंगा कि हमारे हल्के बंदियों में बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की गई है, बहुत ज्यादा प्री पोल रिगिंग उसको कह लें, जो भी आप उसको नाम ले रहे हैं, कुछ भी हो चाहे जो भी हो, तहरीक इंसाफ एक नुक्ते पे खड़ी है कि आपने जो भी हल्का बंदी में नुकसान किया है उसके खिलाफ हम हैं, उसके खिलाफ हमने आवाज भी उठाई है और भी जो हरकत और सकनात की जा रही है, लेकिन इलेक्शन के डिले के हम हक में नहीं है, चाहे कुछ भी हो इलेक्शन डिले नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जो आरओज का मामला है, आपकी जमात ने लाहौर हाईकोर्ट में उसके हवाले से अपील की कि जनाब ये आरओज तब्दील किए जाए, आप जुडिशरी से आरओज लाए जाए रिटर्निंग ऑफिसर, उस पर भी ये इल्जाम लग रहा है कि इस आखिरी मौके के ऊपर ये चीज सामने ला के ये ना हो कि इसकी वजह से इंतखाबात जो हैं वो इल्तवा का शिकार हो जाएं। एक तरफ तो ये इशू ऐसा है कि जो इंतजामिया है जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ यूज हुई है, और सिर्फ 9 मई के बाद नहीं, 9 मई से पहले भी आप देख लें जिस तरह
जनाब इमरान खान साहब पे केसेस बने, हमारी बहुत सी लीडरशिप पे बने, हम सबके मेरे खिलाफ हमारे और साथियों के खिलाफ जिस तरह केसेस जो है वो बनाए गए। लेकिन फिर 9 मई के बाद तो बिलखसूस बहुत ही ज्यादा ऑनस्लॉट हुआ है, और सिर्फ पंजाब में नहीं हुआ, आपने कराची देखा होगा, सिंध में देखा होगा, बलोचिस्तान में देखा होगा, और खैबर पख्तूनख्वा में भी आपने देख लिया। तो इस सूरत हाल में हमारी जमात समझती है कि किसी न किसी हद तक अगर आरओज को जुडिशरी से लिया जाए, जो माजी में लिए गए, आपको याद होगा कि 2013 में और 2018 में जुडिशरी से आरओज वगैरह आए थे, तो उस जमाने में वहां भी एतराज उठे थे, लेकिन बहरहाल इससे कम। तो इन हालात में तरीक इंसाफ समझती है कि अगर जुडिशरी से आरओज आए तो निस्बतन ज्यादा एतमाद होगा सबको, क्योंकि एग्जीक्यूटिव की कारकर्दगी आपके सामने है। ठीक है, अच्छा जो आपने जिक्र किया वोटर लिस्टों का जिक्र होता है, जरदारी साहब ने उस दिन एक बात की कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने बहुत से अफगान शहरियों को वोटर लिस्टों में शामिल किया हुआ है केपीके में, दीगर जगहों पर, क्या इस तरह की कोई सूरत हाल है ग्राउंड पे, और इसके ऊपर आपकी जमात का क्या मौकफ है? मिक्स नहीं करना चाहिए, अफगान नेशनल में से जो जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उनका इनखला वो एक अलहदा टॉपिक है, इशू है। अब जरदारी साहब के पास कुछ है नहीं कहने को, जरदारी साहब के पास अब कैंडिडेट्स तो शायद बेशुमार हों लेकिन उनके पास वोटर सपोर्टर नहीं है। सिंध की मैं बात नहीं कर रहा, इंटीरियर सिंध में होगा, लेकिन कराची को देख लें, लाहौर को देख लें, पिशावर को देख लें, आप सवात को देख लें, कहीं भी आप देख लें, पीपल्स पार्टी की अब वो सूरत हाल नहीं है। मैं बसद एहतराम जरदारी साहब को अर्ज करूंगा कि आप ये सोचिए, और ये बात मैं जब कर रहा हूं तो ये शायद जियालों को बड़ी तलख भी लगे, लेकिन उनको अपनी लीडरशिप से पूछना जरूर चाहिए कि आप ये देखिए जरदारी साहब कि वो पीपल्स पार्टी जो मरहूम जियाउल हक साहब खत्म नहीं कर सके बावजूद अपनी पूरी माइट के, अपनी पूरी ताकत के, वो आपके अपने 5 साल दौर में खत्म हो गई। आपने कुछ ऐसा किया ना कि पीपल्स पार्टी लाहौर से और पेशावर से, और इस जमाने में वीवी शहीद चतराल से जीती थी और एक जमाने में पेशावर से, दोनों जगह से जीती थी और लाहौर से भी जीती थी, वेयर इज पीपल्स पार्टी नाउ? तो वो अली मोहम्मद साहब, आप लोग पिछले दिनों जाके मौलाना साहब से भी आपकी मुलाकात हुई और सियासी डायलॉग पे आप यकीन रखते हैं, आपकी शख्सियत का भी एक ये पहलू है कि आप कहते हैं कि सबको साथ लेके चला जाए, लेकिन कुछ आपकी जमात का रवैया ऐसा रहा कि इसी के अंदर हमने मुख्तलिफ जो जमातों के लीडरान हैं उनसे पूछा कि आप किसी से बात करने के लिए तैयार हैं या किससे बात करने के लिए तैयार नहीं, वो कहते हैं सारी जमातों से बात होगी लेकिन जो पीटीआई का रवैया रहा है हम उनके साथ नहीं चल सकते। आईपीपी वाले भी यही कहते हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी यही कहते हैं, नून लीग वाले भी यही कहते हैं, तो कहीं ना कहीं सर कुछ ना कुछ आपको अपने रवैयों के ऊपर भी तो नजरसानी करनी पड़ेगी ना? नहीं गाजी साहब, जहां तक मौलवी साहब का ताल्लुक है, मौलवी साहब की तो खुशदामन की फौजगी थी, तो वो एक गैर सियासी मुलाकात थी, दुआ हमारे कल्चर का हिस्सा है, उसके लिए फातिहा के लिए गए थे। हाँ ये एक बात है कि आजाद शफाफ इलेक्शन के लिए एक इस एक नुक्ते पे आजाद शफाफ इलेक्शन इस पे हम सबके लिए गुफ्तगू के लिए तैयार थे और हैं। अब इसमें एक इशू ये है कि ये सारी जमातें जितनी भी हैं, मैं अब भी आपके प्रोग्राम में ये कहते हुए कि बिल्कुल गुफ्तगू होनी चाहिए, मैं इसका बड़ा दाई हूं, लेकिन ये सारी जमातें जो हैं वो पीडीएम का तकरीबन सबके सब जमात इस्लामिया एक दो को निकाल के बाकी सब उसमें शामिल थे। आप मुझे बताएं ये जो साइफर हुआ, ये जो एक रात के 12 बजे एक इलेक्टेड हुकूमत गिराई गई, उससे पहले जिस तरह लोग एक्टिव हुए, जिस तरह सिंध हाउस यूज हुआ, क्या ये जमहूरियत थी? यानी कि ये लोग खुद के डसे में, ये लोग खुद के कहते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, लेकिन जब इनको अपॉर्चुनिटी नजर आई तो एक इलेक्टेड हुकूमत को एक गैर फितरी गैर जमहूरी अंदाज में गिराने में अपना कंधा दिया। लेकिन जरदारी साहब ने जमहूरी ना बने, ना मियां साहब, जरदारी साहब ने सिंध हाउस दिया इस गलत अमल के लिए। मैं ये नहीं कहता कि अदम एतमाद एक गैर जमहूरी अमल है, अदम एतमाद जमहूरी अमल है, लेकिन इसको इख्तियार कैसे किया गया? और ये जो साइफर की कहानियां है जिसपे खान साहब को और कुरैशी साहब को जो है रगेदा जा रहा है, आप मुझे बताएं किसी बाहर के मुल्क में जरूरत होनी चाहिए कि हमें वो ये कह के इसको उतारो और उसको चढ़ाओ? ये उनका काम है, हमारा काम? आप मुझे बताएं क्या हमें खुद मुख्तार मुल्क नहीं? देखें इलेक्शंस की तरफ सारे मामलात चल रहे हैं, आपकी जमात ने भी इलेक्शन लड़ना है, एक तो जो इंतखाबी निशान है आपका उसके हवाले से तहफ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, आपकी अपनी लीडरशिप कर रही है, क्या कोई ऐसा प्लान है आपके पास कि अगर आपसे वो इंतखाबी निशान ले लिया जाता है तो फिर किस तरीके से आप इलेक्शन लड़ेंगे? काजी साहब सियासी लोगों के पास कोई ना कोई प्लान होता है, लेकिन ये इसका जवाब इस अंदाज में मैं समझता हूँ ना सिर्फ कबलज वक्त है बल्कि मुनासिब ही नहीं है कि अगर एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात को ये थ्रेट हो कि आपसे आपका निशान ले लिया जाएगा, वो जमात कोई आज नहीं बनी, वो जमात कोई प्रोस्क्राइब नहीं है, वो जमात किसी गलत काम में मुल्क के खिलाफ किसी काम में इन्वॉल्व नहीं हुई, उसके ऊपर एक इल्जाम है। देखें एक इल्जाम है 9 महीने जिन पे है वो फेस कर रहे हैं, कुछ हम जैसे फेस करके निकल भी आए, बाकी एक जमात देखें पूरे मुल्क में हुकूमत बना गई, सिंध में अपोजिशन लीडर, पंजाब में बना गई, पख्तूनख्वा में बना गई, बलोचिस्तान में कोलिशन, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान, एक ऐसी जमात से अगर आप इंतखाबी निशान लेंगे तो आप एक जमात से इंतखाबी निशान नहीं ले रहे, आप इस पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम से उसकी डेमोक्रेटिक करेंसी, उसकी लेजिटिमेसी छीन रहे हैं। ठीक, अच्छा ब्रीफली सर अगर आप बता सकें चंद सेकंड्स के अंदर, क्या आने वाले इंतखाबात जो उनका जो भी नतीजा होगा आप उसको मानेंगे, आप समझते हैं कि वो साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे? आपको लग रहा है, आपको साफ शफाफ लग रहा है जो हो रहा है हमारे साथ? ये तो अगर साफ शफाफ हुए तो मानेंगे, अगर साफ शफाफ हुए तो माने, अभी से मैं कैसे कमिट कर लूं? पर अभी जो सिचुएशन है आपको लगता है कि आपके साथ इंसाफ हो रहा है, आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है इस वक्त?
देखिए फिलहाल तो नहीं लग रहा, इसलिए तो हम कहते हैं जो मैंने बात की ना डायलॉग की, जिसमें बहुत सा टाइम ऑफ गुजर भी गया, वो इसलिए था कि आप बैठे ताकि कोई तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, लोगों को एतमाद तो बहाल हो इस सिस्टम पे। ठीक, अली मोहम्मद खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऐसे आरओस को तैनात करना चाहता है जो ब्यूरोक्रेसी में से है, और इस वक्त सारी ब्यूरोक्रेसी पीटीआई के मुखालिफ है, और निगरान हुकूमत भी आए रोज पंजाब में पीटीआई के वर्कर्स को गिरफ्तार करने में मसरूफ अमल है। यही वजह है कि पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट में एक अपील दायर की कि आर रोज जुडिशरी से तैनात किए जाए ताकि फेयर इलेक्शन हो सके। नाज़रीन, आपका क्या ख्याल है, ऐसे हालात में फेयर इलेक्शन हो जाएंगे? अगर होंगे तो इन इलेक्शन में फातिहा कौन होगा, पीटीआई या नून लीग? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।